आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना केस 3 लाख पार। कर्नाटक में 50,200 नए मामले आए सामने। मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 4 नेशनल हाईवे सहित 731 सड़कें बंद। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का मार। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। दिल्ली में जनवरी महीने में बारिश के 121 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। लखनऊ के रकाबगंज में कारोबारी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। 3 करोड़ रुपए बरामद। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर। लश्कर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता का टिकट फाइनल होने के बाद पूर्व राज्य मंत्री रहे श्यामवीर सैनी ने लश्कर विधानसभा सीट पर अपने दावेदारी ठोकते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी बात हाईकमान से हुई है और हाईकमान ने उन्हें आश्वासन दिया है। वहीं इस दौरान श्यामवीर सैनी ने संजय गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2012 की अपेक्षा 2017 में उनका जनाधार कम है, जो पार्टी के लिए संकेत ठीक नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता उनके काम से खुश नहीं है, क्योंकि ना तो यहां महिला डिग्री कॉलेज खोला गया और ना ही कोई विकास किया गया। डिग्री कॉलेज था और यहां पर मंडी थी। डिग्री कॉलेज जो है वो मजबूत प्रतिनिधि की वजह से खानपुर चला गया। यहां की मंडी भी खानपुर चली गई और यहां का अनेक संस्थान है। यहां बहुत बड़ा यहां इंडस्ट्रियल एरिया, वो भी खानपुर चला गया सिडकुल। और यहां पर एक बहुत अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, अच्छा चिकित्सालय नहीं बन पाया है। डिग्री कॉलेज जो था वो भी चला गया है और इसलिए जनता की अपेक्षाओं पर वर्तमान जन प्रतिनिधि खड़े नहीं उतरे हैं। वो हमें उनसे कोई वो नहीं है, जनता की डिमांड है। ऋषिकेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और राष्ट्रीय दल निश्चित दिखाई दे रहा है, वहीं एक युवा चेहरे के रूप में जनता एकता पार्टी के युवा नेता और विधायक प्रत्याशी कनक धनाई के सभी चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार कनक धनाई को युवाओं के साथ साथ महिलाओं और बुजुर्गों का भी साथ मिल रहा है। वहीं इस कड़ी में सर्वाहार नगर में बड़ी संख्या में लोगों ने कनक धनाई का भव्य स्वागत करते हुए जीत का आश्वासन दिया। साथ ही लोगों ने कहा कि हम अपने साथ साथ और लोगों को भी कनक के साथ जोड़ने की अपील करेंगे। नई किस्म का ट्रेंड ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए यहाँ पर उनमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों की चकाचौंध हावी रही, परंतु इस बार लोग व्यक्ति विशेष पे फोकस करके और बिंदुओं पे आधारित चुनाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुद्दों की बात लोग सुनना चाह रहे हैं, लोग समझना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो एक राष्ट्रीय दलों का जो नैरेटिव होता है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव होता है, उससे ऊपर उठकर लोग कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीयता है और जो क्षेत्रीय बिंदु हैं उन पर लोगों का ध्यान केंद्रित है। तो मुझे लगता है जो रिस्पांस है लोगों का, जो प्रतिक्रिया है ऋषिकेश विधानसभा वासियों की, वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है और कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका होने वाली है, एक निर्णायक पल होने वाला है पूरे उत्तराखंड एवं विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, जिसको लेकर विधानसभा कलियर सीट पर जनता ने अपनी राय रखते हुए बताया कि अब की बार वो ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो कलियर का विकास करा सके और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का विकास करा सके। लेकिन भाजपा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, इसलिए अब की बार किसी दूसरे पार्टी को मौका दिया जाएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि जनता को किस पार्टी का समर्थन मिला है। आज पहुंचे विधानसभा पुरान कलियर क्षेत्र के पारली गुज्जर गांव में। यहां पे जो विकास को लेकर बात करेंगे, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। आइए, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे अब की बार? देखिए, हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करें। कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस से हमारे प्रत्याशी है हाजी फुरकान अहमद, विकास पुरुष। विकास के नाम पे ये चुनाव लड़ते हैं, जीत के 2 बार विधानसभा गए हैं, इसी मुद्दे पे हम इनके साथ हैं। तो यहाँ पे जो पाटली गुज्जर गाँव है, किस तरीके का विकास हुआ है? अब पाटली गुज्जर में विकास जो हुआ है, सड़कों का हुआ है, नालियों का हुआ है, चैम्बर का हुआ है और जितने भी डेवलपमेंट कार्य है लगातार जारी है। अभी हाल फिलहाल में पाटली गुज्जर तेरी वाला गांव में 66 लाख के काम
विधायक जी के द्वारा हाल फिलहाल में हुए हैं, 2-3-4 महीनों के अंदर, उससे पहले तो होते ही आ रहे। दूसरी पार्टियाँ जो आ रही है, आम आदमी पार्टी है, पानी बिजली स्वास्थ्य सब फ्री कर रही है। ये तो फ्री का लालच यहाँ नहीं चलेगा, वो दिल्ली के लोग थे जो लालच में उसमें बह गए, और वहाँ पे भी कोई इतना नहीं डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली में भी आप जाके देखे बुरा हाल है, और वो जुमले यहाँ नहीं चलने के इनके। तो अब की बार किसे? अब की बार कांग्रेस को। हमारे साथ दूसरे शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? वीर प्रताप सिंह। तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे अब की बार? कांग्रेस। क्यों सपोर्ट करेंगे? विकास की तरफ है ना, विकास के साथ है। विकास तो और भी पार्टियां करती है, सब झूठे वादे करती है, क्या विकास क्या है भाजपा ने बताओ। तो अब की बात कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, कांग्रेस। तो जो यहाँ के विधानसभा पिरान कलियर के विधायक है, उन्होंने क्या विकास किया? उन्होंने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है कि आज तक के 20 साल में किसी विधायक ने यहाँ तक आगे देखा नहीं पाठक की तरफ। कोई गांव में विधायक नहीं आया, सिर्फ एक में विधायक ऐसे हैं जो गांव में आते हैं और काम करते हैं। तो इसलिए फुरकान है, हम 2022 में जीता के जिताएंगे उनको, और भारी वोटों से जिताएंगे। जैसे आम आदमी पार्टी आ रही है। पौड़ी गढ़वाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंडे ने सुविधा पोर्टल सिविल और एसएमसीएसी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि सभी कंट्रोल रूम के आगे बैनर के माध्यम से कंट्रोल रूम का नाम दर्ज करना सुनिश्चित करें, जिससे लोगों को उसकी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि एनआईसी वेबसाइट में स्वीप कार्यक्रम, कोविड-19 गाइडलाइन, पर्यवेक्षकों के फोन नंबर सहित तमाम जानकारी अपलोड करना सुनिश्चित करें। आगे उन्होंने कहा कि जिन कर्मियों की ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगी है उनका नाम भी दर्ज किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर अब घातक हो चुकी है। प्रदेश में न केवल संक्रमितों की संख्या बल्कि मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में 35 व्यक्तियों को कोरोना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 6 माह में यह एक सप्ताह में हुई सर्वाधिक मौत है। यही नहीं, 2 सप्ताह में संक्रमितों की संख्या 7 गुना तक बढ़ गई है। कोरोना के आंकड़ों का विश्लेषण कर रही संस्था सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनुप नौटियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना के 97 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। 97 सप्ताह 16 से 22 जनवरी के बीच राज्य में कोरोना के 29,402 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने राजनीतिक दलों को राहत दे दी है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 1 फरवरी से राजनीतिक दल खुले स्थानों पर मैदानों में छोटी सभाएं कर सकेंगे। प्रदेश में लागू रात्रि कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। 31 जनवरी तक प्रदेश में आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त आकाशीय और निजी विद्यालय, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क बंद रहेंगे। मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, स्पा, सलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, समाकक्ष, खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल मैदान 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं चिहरी जिले के पर्यटक स्थल धनोल्टी में जबरदस्त बर्फबारी से चंबा मंसूरी मोटर मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम गई। इस रूट पर यातायात बहाल करने को लेकर बर्फ हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई है। और यहाँ पे कल दिन से बर्फबारी हो रही है, और कल दिन से लाइट चली गई है और पानी भी नहीं है, जिससे पर्यटकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ बर्फ़ पड़ने से किसानों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे जो है कल से बर्फबारी, चौथी बर्फबारी है, और आवागमन कल से बंद हो रखा है, न तो कोई आ रहा न जा रहा, और बिजली भी कल से बिल्कुल जा रखी है, और पानी भी नहीं है। यहाँ पे बड़ी समस्या, पर्यटक आ रखे हैं, लेकिन पर्यटकों को आने जाने की बहुत असुविधा हो रखी है, न तो कोई आ सकता है न कोई जा सकता है, और पानी और बिजली की बड़ी। खबर दौलतपुर से है, विधानसभा पिरान कलियर के दौलतपुर में भाजपा पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें कि विधानसभा कलियर के फुरकान अहमद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के साथ ही लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी दिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं विधायक हाजी फुरकान का कहना है कि हमारी सरकार आने पर देश के बेरोजगार और महंगाई से मुक्त कर दिया जाएगा। गुरु जी भी रहे और प्रमोद शर्मा जी यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं,
मैं कांग्रेस पार्टी में इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनके आने से मुझे दौलतपुर में नहीं पूरी विधानसभा में काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ये एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है और मेहनती है। बीजेपी ने सिर्फ इन्हें इस्तेमाल किया, कहीं इन्हें अच्छी किसी अच्छे पद पर नहीं किया, नहीं भेजा। मैं आज पंडित जी से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी यहाँ पर कांग्रेसी हैं उनको सबको साथ मिलकर जो भी मेरे लायक सेवा होगी पंडित जी, मैं कभी आपसे पीछे नहीं हटूंगा और हमारी कांग्रेस पार्टी में आपका मान सम्मान होगा, आपका हर तरह का सहयोग, हम सब कांग्रेसी आपके साथ रहेंगे और आपके आने से हमें मुझे बहुत फायदा हुआ आज दौलतपुर गांव से। खबर लालकुआ से है। आचार संहिता में लालकुआ कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को मोटरसाइकिल से 82 ग्राम स्मैक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वही मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने बताया कि लालकुआ में नगीना कॉलोनी के एक युवक से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8,50,000 है। ये कल कोतवाली लालकुआ और एसओजी की संयुक्त अभियान में बाबू हसन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 82 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 8.5 लाख रुपए है। ये व्यक्ति जो बाबू हसन है, ये यहीं लालकुआ का रहने वाला है, नगीना कॉलोनी का। खबर बाजपुर से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को बाजपुर विधानसभा टिकट मिल जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के समर्थकों ने उनके आवास पर जाकर यशपाल आर्य का विरोध करने का संकल्प किया, जिसमें चुनाव लड़ने के लिए तीसरे विकल्प के रूप में यशपाल आर्य के सामने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि 5 साल से कांग्रेस में रहकर सच्चे सिपाही की तरह जनता के लिए संघर्ष करते हुए 1 साल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए संघर्ष किया, उसके बाद भी प्रदेश का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के पदाधिकारियों के षड्यंत्र के तहत हमारा टिकट काटा गया और यशपाल आर्य को टिकट दिया गया। जो कांग्रेस पार्टी ने, हरीश रावत ने, प्रीतम सिंह ने, इन्होंने धोखा किया है, मतलब एक धोखा दिया है, बहुत जबरदस्त धोखा, उसको सभी लोगों के मन में दुख है बहुत ज्यादा। किस पे विश्वास करें? यशपाल पे विश्वास करें, प्रीतम सिंह पे करें, पार्टी किस पे विश्वास करे? कांग्रेस पे, कांग्रेस वालों को कांग्रेस वाले धोखा दे रहे हैं बेचारे ने। उन्होंने सुनीता ने 5 साल से सींच के ला रही है उसको, कांग्रेस खड़ी की है यहाँ बाजपुर में उसमें, और उसको धोखा दे दिए। किसके सके हैं ये? किसी के सके नहीं है, इनको माफ नहीं किया जाएगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नहरा दे रहे हैं वहाँ पे। तो ये रही उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।